लूटा लोगों का दिल, अपनी एक्टिंग का जादू चलाने की वजह से हुई काफी मशहूर। विवादों से भी है इनका गहरा नाता, प्यार में खा चुकी हैं धोखा। हम बात कर रहे हैं टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई की। काफी समय से ऐसी खबरें आ रही हैं कि टप्पू का किरदार निभाने वाली रश्मि देसाई बिग बॉस 13 का हिस्सा बनने वाली हैं। उन्हें इस शो के लिए निर्माताओं ने अप्रोच किया है, लेकिन घर में उनकी एंट्री होने से पहले जरा जान लीजिए रश्मि देसाई को करीब से। रश्मि देसाई का जन्म 13 फरवरी 1986 को नागपुर में गुजराती परिवार में हुआ था। उनका असली नाम दिव्या देसाई है। उनके पिता अजय देसाई थे, माँ रसीला देसाई हैं जो कि एक शिक्षिका हैं। रश्मि ने उलुबरी हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की है और फिर नर्सिसी मंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई से ग्रेजुएशन किया। रश्मि को मॉडलिंग और एक्टिंग का बहुत शौक था। शुरुआती दौर में उन्होंने छोटे बजट की फिल्मों में काम किया। टेलीविजन पर काम करने से पहले वो कई बी ग्रेड फिल्मों में काम कर चुकी हैं। ये फिल्में हिंदी, असमी, बंगाली, मणिपुरी और भोजपुरी भाषाओं में बनी थी। 2004 में उन्होंने बॉलीवुड में रवीना शाहरुख की फिल्म ये लम्हे जुदाई फिल्म से एंट्री की थी। फिल्मों के बाद उन्होंने 2006 में छोटे पर्दे पर कदम रखा जी टीवी के शो रावण से। उसके बाद उन्होंने 2008 में परी हूं मैं फिर कोई है जैसे शोज में काम किया, लेकिन उनकी किस्मत ने तब पलटी खाई जब उन्हें 2009 में कलर्स के मोस्ट पॉपुलर शो उतरन में तपस्या नाम की लड़की का रोल निभाने का मिला चांस। इस सीरियल में उनके रोल को लोगों ने खूब पसंद किया और देखते ही देखते वो टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस भी बन गई। इस सीरियल में उन्होंने 2009 से 2014 तक काम किया। इसी दौरान 2010 में इमेजिन टीवी के शो मीठी छुरी नंबर 1, 2011 में कॉमेडी का महामुकाबला कहानी कॉमेडी सर्कस की में उन्होंने लोगों को खूब गुदगुदाया। अपने एक्टिंग स्किल से इम्प्रेस करने वाली रश्मि भरतनाट्यम और कथक की ट्रेन डांसर भी रह चुकी हैं। 2012 में उन्हें अपने डांसिंग स्किल्स दिखाने का मौका मिला था शो झलक दिखला जा से। वो इसके 5वें सीजन में नजर आई थी। वहां से रश्मि को सिर्फ एक एक्टर के तौर पर ही नहीं देखा जाने लगा था, बल्कि एक बेहतरीन डांसर के रूप में भी उन्होंने अपनी एक अलग जगह बना ली थी। उस सीजन में भले ही रश्मि ने पहला स्थान न हासिल किया हो, लेकिन लोगों के दिलों में जगह जरूर बना ली थी। इसके बाद सिलसिला चलता रहा। रश्मि के पास काम की कोई कमी नहीं थी। 2014 में उन्हें फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी सीजन 6 में जाने का मौका मिला था। इस शो को करने के बाद रश्मि का यही कहना था कि इस शो में हिस्सा लेना उनके लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। खतरों के खिलाड़ी, झलक दिखला जा जैसे शोज में काम करने के बाद रश्मि की डिमांड बढ़ चुकी थी। तभी उन्हें 2015 में नच बलिए सीजन 7 का ऑफर भी मिल गया। इस शो के दौरान उन्होंने अपने डांस से लोगों को कायल किया। 2017 में फिर उन्हें मौका मिला था रियलिटी शो से हटके फिर से एक सीरियल में जिसका नाम था दिल से दिल तक। इस सीरियल में उन्होंने सरोवरी भानुशाली का किरदार निभाया था। इस शो का कॉन्सेप्ट थोड़ा हटके था, इसलिए लोगों का प्यार भी खूब मिल रहा था। उन्होंने 10वें भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार, 10वें भारतीय टेली अवार्ड्स, 3रे बोरो प्लस गोल्ड अवार्ड्स, बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड्स, 4थे बोरो प्लस गोल्ड अवार्ड्स, अप्सरा अवार्ड्स, बिग टेलीविजन अवार्ड्स और कलर्स गोल्डन पेटल अवार्ड्स जैसे पुरस्कार जीते हैं। वहीं उनके प्रोफेशनल लाइफ में जहां सब सही चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ में भूचाल आ गया था। रश्मि ने 12 फरवरी 2012 में अपने सीरियल उतरन के को-स्टार नंदिश संधू से शादी कर ली थी। दोनों की जोड़ी लोगों को खूब भाती थी। शादी के एक साल बाद ही रश्मि प्रेग्नेंट हुई और घर में खुशियों की भरमार आ गई। लेकिन अफसोस, रश्मि का मिसकैरेज हो गया था, जिस वजह से रश्मि काफी टूट गई थी। और वहीं से शुरू हुई इन दोनों के रिश्तों में कड़वाहट। धीरे धीरे दोनों के बीच चीजें इतनी खराब होती चली गईं कि इन दोनों का एक दूसरे के साथ रहना भी दुश्वार हो गया। फिर वो हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी।
रश्मि 2014 में नंदिश से अलग रहने लगे। दोनों के रास्ते अलग अलग होने लगे थे। 2015 में दोनों ने एक बार फिर अपने प्यार को एक और चांस देने की कोशिश की और फिर नच बलिए में दोनों ने हिस्सा लिया। एक उम्मीद की किरण फिर जागी। दोनों ने खुलकर नेशनल टेलीविजन में अपने रिश्ते में आई दरार के बारे में सबको बताया था और कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए थे। दोनों के शो में आने से काफी फायदा भी हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को दूसरा चांस भी देने का मन बना लिया था। लेकिन कहते हैं ना, अगर एक बार रिश्ते में दरार आ जाए तो फिर उसे जोड़ पाना मुश्किल होता है। वहीं इस कपल के साथ भी ऐसा ही हुआ। इनका रिश्ता एक कच्ची डोर के सहारे टिका हुआ था, जिस वजह से दोनों ने फाइनली एक दूसरे से तलाक लेने का मन बना लिया। तलाक के लिए नंदिश के कैसा नोवा नेचर को जिम्मेदार ठहराया जाता है कि रश्मि ने ही तलाक लेने का कदम पहले उठाया था और फिर फाइनली दोनों का तलाक हुआ 2015 में और ये प्रेम की कहानी अधूरी रह गई। रश्मि अपने तलाक को लेकर तो काफी चर्चा में बनी ही रही, साथ ही उन्होंने नंदिश संधू पर घरेलू हिंसा और 3 साल तक प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, जिससे वो काफी विवादों में रही। इसके बाद नच बलिए का हिस्सा होने के समय रश्मि के एंकल में इंजरी आ गई थी, जिस वजह से उन्हें आराम के लिए शो से दूर होना पड़ा था। लेकिन रश्मि को एलए में एक शो में प्रदर्शन करते देखा गया था, जिसे लेकर काफी बवाल भी हुआ था। खुद रश्मि ने स्वीकार किया था कि नच बलिए साइन करने से पहले उनकी और कमिटमेंट्स थी और अगर वो एलए में शो के लिए नहीं जाती तो वो मुसीबत में फंस जाती। इसके अलावा भी कई विवादों से जुड़ चुका है रश्मि का नाम। सीरियल दिल से दिल तक की शूटिंग के दौरान सेट पर रश्मि और सिद्धार्थ दोनों के बीच काफी लड़ाई झगड़ा होता था। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते थे। दोनों का ये झगड़ा खूब चर्चा में रहा करता था। लेकिन कुछ समय बाद ऐसी खबरें भी आने लगी कि दोनों लड़ाई भूलकर एक दूसरे के करीब आने लगे हैं। सिद्धार्थ का नाम उनकी को-स्टार रश्मि से जुड़ने लगा था। वैसे आपको बता दें, रश्मि कई बार बिग बॉस में बतौर गेस्ट आ चुकी हैं, लेकिन इस बार घर के अंदर एंट्री मारने वाली हैं। वो अपने चुलबुले नेचर से, अपनी अदाओं से, अपने बेबाक अंदाज से बिग बॉस के घर में दूसरे कंटेस्टेंट्स की वाट लगाने वाली हैं। खबरों की माने तो कहा जा रहा था कि रश्मि अपने र्यूमर्ड बॉयफ्रेंड के साथ शो में आएंगी और उनसे घर के अंदर ही शादी भी रचाएंगे। लेकिन इस बात पर रश्मि का हाल ही में रिएक्शन आया था और वो काफी भड़कती नजर आई थी। मैं तो बहुत कुछ सुन रही हूँ एंड आई बीन लिटिल अपसेट फॉर सम रीजन एंड आई थिंक आई हैव राइट्स टू बी अपसेट कि मेरी शादी भी तय कर देते हैं, मुझे ऐसे लगता है मेरे बच्चे भी तय कर दिए जाएंगे, मुझे ऐसे आई थिंक हु एम आई देन, मेरी भी कुछ, आई एम टुडेज गर्ल, आई हैव ऑल द राइट्स टू रोम आउट विद हूएवर आई लाइक एंड आई थिंक अ मैरिज इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग, आई हैव ग्रोन एंड लर्न लॉट ऑफ थिंग्स विद माई एक्सपीरियंस एंड अगर मैं ये इतना ब्यूटिफुल चीज़ करूँगी, मैं शादी करूँगी इन फ्यूचर, मैं छुपाऊँगी क्यों? देखा जाए तो रश्मि ने भले इस बात पर अपना गुस्सा जाहिर किया हो, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि वो घर में नहीं आ रही हैं। वैसे अब रश्मि घर के अंदर आती हैं, तो वो खलबली तो जरूर मचाएंगी ही।